क्या दिल्ली से बिहार तक गणित साधने की जुगत में है बीजेपी? तो क्या दिल्ली चुनाव में दिखेगा बिहार का ट्रेलर? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी कांग्रेस अपना दमखम तो दिखा ही रही है, इसके अलावा गठबंधन सहयोगियों के जरिए भी मजबूती दिखाने की कोशिश में है। बीजेपी ने चुनाव से पहले बिहार के मूल लोगों को साधने के लिए जेडीयू, तो वहीं दिल्ली में 15 सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी इस बार दिल्ली चुनाव में गठबंधन सहयोगी के साथ मिलकर बिहार कनेक्शन को भुनाने की कोशिश में है। बीजेपी ने जेडीयू को बुराड़ी और संगम बिहार से सीटें दी हैं। सूत्रों का कहना है कि इस तरह से बीजेपी दिल्ली के जरिए ही बिहार तक का गणित साधने की कोशिश में है। पार्टी चाहती है कि इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनाव तक जेडीयू और एलजेपी के साथ उनके संबंध बेहतर बने रहें। इसके अलावा रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को भी साथ लाने की कोशिश चल रही है। जेडीयू का दावा है कि हम दोनों सीटों पर अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास का मॉडल लोगों को लुभाता है। झा के मुताबिक बिहार में नीतीश सरकार 50% लोगों तक पानी पहुंचा रही है। यही नहीं, साल के अंत तक हर घर तक पानी की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से परेशान है और विकल्प की तलाश में जुटी है। खबर है कि दिल्ली चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट्स के अलावा नीतीश कुमार बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार कर सकते हैं। उधर आरजेडी भी दिल्ली चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हुआ है और समझौते के तहत पार्टी बुराड़ी, उत्तम नगर और पालम सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इन क्षेत्रों में भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े मतदाताओं की संख्या अच्छी है। आपको बता दें कि बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली चुनाव के बहाने बिहार का गणित साधने में जुट गई है। यानी साफ है कि दिल्ली चुनाव में इस बार बिहार की राजनीति का रंग भी दिखेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।